तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में बंद जयललिता के समर्थकों की निगाहें कर्नाटक हाईकोर्ट पर टिकी हैं। इसी के मद्देनजर कर्नाटक और तमिलनाडु में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के मामलों में कर्नाटक की जेल में बंद तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। कर्नाटक हाईकोर्ट इस याचिका की सुनवाई करेगा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इससे पहले 30 सितंबर को सुनवाई करते हुए मामले को 6 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया था। इससे पहले जयललिता को विशेष अदालत ने 4 साल की कैद की सजा सुनाई थी। जयललिता के समर्थन में तमिलनाडु में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। इन प्रदर्शनों को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट के आसपास के 1 किलोमीटर के इलाके में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले की कार्यवाही को देखने के लिए 30,000 लोग बेंगलुरु पहुंच सकते हैं। इसे देखते हुए बेंगलुरु पुलिस ने सोमवार को सुरक्षा का जायजा लिया। बेंगलुरु पुलिस के 1,000 जवान इस इलाके में तैनात रहेंगे। जयललिता के जेल जाने के बाद से ही उनके समर्थन में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। अलग अलग जगहों पर लोगों ने जयललिता की सजा का विरोध किया है। सजा सुनाए जाने वाले दिन तो तमिलनाडु में लोगों ने हिंसक प्रदर्शन तक किए थे। तमिलनाडु सरकार के कई मंत्री और विधायक आज भी अपने विरोध प्रदर्शन को जारी रखेंगे। जयललिता की सजा के विरोध में मंगलवार को तमिलनाडु में कई बस संगठनों ने हड़ताल का ऐलान किया है। सजा के विरोध में राज्य के कई स्कूलों और कॉलेजों को भी बंद रखने की मांग की गई है। राज्य में कई जगहों पर लोग जयललिता की रिहाई के लिए विशेष प्रार्थना और उपवास भी कर रहे हैं। उधर इस सुनवाई से पहले मद्रास हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि तमिलनाडु में किसी भी स्कूल कॉलेजों को बंद नहीं रखा जाएगा और अगर राज्य में कानून और व्यवस्था से जुड़ी कोई भी समस्या पैदा होती है तो इसके लिए राज्य सरकार ही जिम्मेदार होगी। बहरहाल लोगों की निगाहें अब कर्नाटक हाईकोर्ट पर टिकी हैं, जहां आज अम्मा के जेल से बाहर आने का फैसला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और क्या है जयललिता केस का पूरा मामला, इसे विस्तार से समझाने के लिए आइए चलते हैं मेरी सहयोगी हिमानी के पास। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्या है जयललिता डीए केस। आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं कि जयललिता के खिलाफ 1996 में ये दर्ज किया गया केस भ्रष्टाचार के खिलाफ। जयललिता पर 1991 से लेकर 1996 के बीच भ्रष्टाचार का ये आरोप लगा था। यही वो टर्म था जब 1991 और 96 के बीच सीएम रहते हुए सिर्फ 1 रुपए महीना उन्होंने तनख्वाह ली, ऐसा जयललिता कहती हैं, उनका ये कहना है। लेकिन 1996 और 91 के बीच के हम इस टर्म की जो बात कर रहे हैं तो फिर आखिर उनकी ये संपत्ति 3 करोड़ से 66 करोड़ कैसे हो गई। सहयोगी शशिकला नटराजन और जो उनके रिश्तेदार हैं उन पर भी ये केस हुआ। दिसंबर 1996 में जयललिता को फिर गिरफ्तार किया गया इस सिलसिले में और अप्रैल 1997 में चेन्नई की विशेष कोर्ट में इसकी सुनवाई शुरू हुई। 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस केस को बेंगलुरु भेज दिया। जयललिता केस में 358 लोगों की गवाही हुई और 27 सितंबर 2014 को जयललिता को दोषी करार दे दिया गया, क्योंकि भ्रष्ट तरीके से 66 करोड़ जुटाने का जो आरोप है वो साबित हो गया।